There are times I can tell you what he's wearing. समय है कि मैं कह सकता हूँ क्या हो रहा है. The times I can tell you what color of robe he's got on. और कौन से रंग का पहरावा पहना. The times his reality is overwhelming. उसकी ये उपस्थिति उस समय विस्मयकारी. That moment. वो समय. Just for a split second. बस कुछ क्षण के लिए हमारे लिए. I surrender. और मैं समर्पित होता हूँ. And when I surrender. और जब मैं समर्पित होता हूँ. When I yield my whole body to मेरा पूरा शरीर मैं काम करने के लिए दे देता हूँ. When I give him it's a death moment. वो एक समय. Power of God hits that door. और वही इमारत में परमेश्वर की उपस्थिति. People begin coming out of wheelchairs. और फिर यहाँ पर एक. So that moment. Blind eyes open. Deaf ears pop open. ये सामर्थ्य खुलती है. Why? खुल जाती है. बहरे सुनने लगते हैं. क्यों? क्योंकि समर्पण. मैंने समर्पण किया. As a young man, I used to watch. जवान उम्र में मैंने कैथरीन कुलमन की सभाओं में जाता था. A service in Niagara Falls, New York. Niagara Falls में एक न्यूयॉर्क में. दो घंटे ऐसे थे कि वो प्रचार कर रही थी, लोग सो रहे थे. She went on. और बस वो बोलते जा रही, उसके पिता के बारे में और उसके लाल बालों के बारे में, मेथोडिस्ट चर्च के बारे में, हमारे बारे में, सब बोल रही है, बोल रही है. I was sitting in the choir. और right मैं गीत गाने वालों के साथ जॉन के साथ बैठा हुआ था. Great minister, और बहुत ही बढ़िया सेवक बन गया है वो. Johnny and I sat in that choir. और वो और मैं जॉन और मैं वहाँ पर संगीत गाते थे. वो प्रिय व्यक्ति. It was a friend of ours. और एक Sandy Fleming. मित्र जिसका नाम सैंडी. We looked around and we saw people's. हम देख रहे थे, हम बैठे थे वहाँ पर, सारे सौ से अधिक सो रहे, सुस्त हो चुके हैं. But the three of us were और like हम तीन ऐसे थे कि उसके ऊपर ऐसे देख रहे थे जैसे कि हमारी आंखें चिपकी हैं. हम जानते नहीं, समझ नहीं पा रहे थे क्या बात कर रही है. कुछ मतलब ही नहीं रहता उसके बातों में. पर मैंने कहा, जॉन देखो, कुछ होने के लिए जा रहा है. अब देखते रहिए, क्योंकि मैंने पहले देखा है. और बस ऐसा खुलकर वो अपने शरीर में और सबको ही उसने सुला दिया था नींद में और सुस्त कर दिया था. अचानक से उसने कहा एक क्षण में बस, और वो समय वो सब कुछ उठ गए, जाग गए वो एक सेकंड में, और पूरा महिमा से भर गया वो कमरा, और वो महिला जीवित लगने लगी, और वो स्वर्ग में से सब कुछ पाने लगी, और यहाँ से चंगाई, वहाँ से दाहिने बाएं, और व्हीलचेयर में से लोग बाहर आने लगे. और जॉन कह रहा है क्या हुआ, क्या हुआ? और मैंने कहा, देखो आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसको पता है सामर्थ कैसे पकड़ते हैं. Till the power of God came on him. Smith Wigglesworth बस प्रचार करते रहे जब तक सामर्थ्य नहीं आती स्टेडियम में. I sat in service after service of that dear woman and I would watch. और फिर उस प्रिय महिला के बारे में ऐसा कहूँ कि मैं उसकी सभाओं में जाता रहा, जाता रहा. और मैंने ऐसे कहा कि प्रभु मुझे बता कैसे ये समर्पित किया जाता है. अब 30 साल हो चुके, उससे ज़्यादा भी. I'm here to tell you tonight. और आज मैं यहाँ पर वो कुछ कहने के लिए. Do not seek the power of God. आपको मैं सच कहूँ, सामर्थ्य ना ढूंढे, यीशु को ढूंढिए. Just look for Jesus. यीशु को देखिए. Just yield to Jesus. बस यीशु को सुनिए. Let him be your all in all. वो सब में सब कुछ हो आपका. And that blessed worship. और वो आशीष भरा हुआ आराधना, वहाँ पर यीशु मसीह प्रकट होता है. It is there your heart erupts. और आपका हृदय टूटता है वहाँ पर. Beyond the scripture. और जो वचन के परे. It's there that the Holy Spirit reveals और यहाँ पर पवित्र आत्मा उसकी भलाई को ऊंचा करती है. जो वचन में लिखा है. और वो आपके शरीर से ज्यादा सच लगेगा आपको. वो आपके बाजू वाले से ज्यादा सच. और आप जो श्वास लेते उस हवे से ज्यादा सच लगेगा. वो आपको बया के बाहर सच लगेगा. बस आप वो समय रहता है कि आप काम करने दीजिए उसको और होने दीजिए उसके जैसे, उसको जैसा चाहे. और फिर बीमार ऐसे ही चले नहीं जाएंगे. देखिए, सामर्थ्य जरूरी है, बहुत ही उपयुक्त सामग्री है, क्योंकि वो उस समय के लिए है.
लेकिन वो अकेले में काफी नहीं है। The power of God is there for only a season, सिर्फ समय के लिए वो सामर्थ्य आता है, और फिर बाद में वो काम करके चला जाता है। लेकिन ये उपस्थिति जो आशीष में, वो हमारे साथ रहती है। वो कमरे से हम निकल सकते हैं बाहर, सभाओं में से बाहर जाएंगे, उपस्थिति साथ है। और लोग चाहते हैं सामर्थ्य, ये सामर्थ्य कुछ मुझे महसूस होना है। देखिए, ये महसूस के परे जाने वाली बात है। वो उपस्थिति इससे परे है, वो आपको ज्ञान में बढ़ाएगी, उसमें से आपको ज्ञान के परे सिखाएगी। और हाँ, ठीक है, महसूस होना सही है, लेकिन उसको खोजिए मत। उस अभिषेक में मैं जानता हूँ जो हलचल मेरे अंदर होती थी, मेरा शरीर थक जाएगा। और आप सामर्थ्य की कहते हैं, आप सामर्थ्य की कहते हैं। I've had moments under the anointing उस अभिषेक के नीचे मेरे पास ऐसे क्षण है कि मैं कहूँ कि इतना ही जबरदस्त था वो। What do you think will cause bodies to fly? और सारा सब कुछ उड़ा देगा वो, इतना सामर्थ। What do you think will cause thousands to collapse in front of you? और हजारों मेरे सामने गिर जाएंगे, इतना सामर्थ। There's been times वो एक समय और इतना जबरदस्त मेरे ऊपर था, मुझे ऐसे लग रहा था मैं मर जाऊंगा। देखिए, मैं सच कहता हूँ कि मेरे चमड़े कभी कभी ऐसे लगता था फट जाएगी। एक समय ऐसा भी था कि अगर और ज्यादा परमेश्वर सामर्थ्य देगा तो मैं मर जाऊंगा। बस दो बार मैंने ऐसे कहा, नहीं बस 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 इससे ज्यादा मैं और नहीं ले सकता हूँ, मैं संभाल नहीं सकता हूँ। In a forest, and the power of God came so strong. जंगल के रास्ते चल रहे थे। और मैंने कहा, डीएल मुड़ी कह रहे थे कि अगर इससे ज़्यादा तूने सामर्थ्य दिया तो मैं मर जाऊँगा। देखिए, ये सामर्थ्य David understood that the presence of God can leave. उपस्थिति अगर चली गई तो वो डाउट जानता है क्या होता है। For he had seen that happen with Saul. मेरा उपस्थित मेरे से पहले उपस्थिति ने साउल को देखा है। He knew about Samson. और उसको शमशोन के बारे में पता है। और वो चाहता था कि वैसा परमेश्वर का उपस्थिति दाऊद नहीं जाने देना चाहता। और मैं बताऊं, वो पवित्र आत्मा जब आता है तो प्रकट करेगा आपको, चंगाई सब करेगा, लेकिन जब जाएगा तो बताएगा। और जब आता है पवित्र आत्मा तो सामर्थ्य के साथ आप देख सकते हैं उसको, लेकिन जब जाता है तो पता नहीं चलेगा। और देखिए, शमशोन से परमेश्वर की उपस्थिति चला गया। देखिए, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा ऐसे, अगर होगा तो मैं तो डूब जाऊंगा, मैं बस डूब जाऊंगा। मेरा सब कुछ ले ले परमेश्वर, जो भी है वो, लेकिन तेरी उपस्थिति मुझसे ना ले। लोगों, आपके हाथ उठाओ और कहो, नहीं यीशु, नहीं, कभी तेरी उपस्थिति हमारे से अलग नहीं करना, कभी नहीं, हमको छोड़कर कभी नहीं जाना। पवित्र आत्मा बोलिए ऐसे, कभी नहीं लेकर जाना। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए ऐसे, कभी नहीं जाना है पवित्र आत्मा हमारे से। परमेश्वर का आत्मा खुद में हमको उपस्थिति, परमेश्वर का सामर्थ हमको खुद में बनाए नहीं रख सकता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो उपस्थिति बनाए रखेगी, क्योंकि सामर्थ आता है और निकल जाता है, उपस्थिति बनी रहती है। और मैं चाहता हूँ, एक दिन ऐसे सोच रखा हूँ कि एक दिन आएगा कि सारे सारे बीमार चंगे हो जाएंगे, और मैं पूरे मन से इसे विश्वास करता हूँ। I asked Oral Roberts a few मैंने एक बार ओरल रॉबर्ट से पूछा था, ऐसा कोई दिन है याद में कि सारे लोग चंगाई हुए थे? दिसंबर 1952 में जैक्सन विला फ्लोरिडा में 16 minutes of power सामर्थ। When the power of God came into his और tent, जब वो सामर्थ्य परमेश्वर की उस and he said the next day they came and collected empty wheelchairs and खाली पड़ी हुई चेयर्स व्हीलचेयर्स लेकर जाए। I said pray for me now. लकड़ियाँ बैसा Put your hands in mine तो मैंने कहा, मुझ पर हाथ रखो और प्रार्थना करो कि मैं भी ये दिन देख सकूं। I know I'm gonna see it. और मैं जानता हूँ मैं देखूंगा ये दिन। I heard Catherine Kuhlman मैंने कैथरीन कुलमन को बोला, मुझ पर भविष्यवाणी करो कि एक भी बीमार इंसान मेरे
मेरे सेवकाई में से नहीं रहना, जाना नहीं चाहिए। मैं सबको चंगाई कर पाऊं। वो 100-150 हजार की जगह में बैठे हैं और यीशुआ सबको चंगाई करेगा। मत्ती 4 में, मत्ती 9, मत्ती 12, मत्ती 14, सब जगह लिखा है कि वो सबको चंगाई करता है।